नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने सुधीर फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे एक नए वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। जी हाँ साथियों, आज के वीडियो में आप लोग जानेंगे स्टाफ नर्स वैकेंसी 2023 के बारे में। हम आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे। आप लोग हमारे साथ अंत तक अवश्य जुड़े रहिएगा ताकि जो भी अपडेट है आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। उसके साथ साथियों, यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पे हम आपको फार्मेसी से जुड़ी, वैकेंसी से जुड़ी, दवाओं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी एक ही चैनल पर वीडियो के माध्यम से अपडेट करते रहते हैं। यदि आपका भी कोई सवाल है, किसी भी टॉपिक पे आप लोग वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जिस प्रकार से आप लोग डिमांड कर देंगे, अगला वीडियो उसी टाइप पर बनाया जाएगा। साथ ही आप लोग अवश्य बताइएगा कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं या करने वाले हैं या कर चुके हैं। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम इस वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये आज का अपडेट है। आयुर्वेदिक अस्पतालों में स्टाफ नर्स के लिए 9118 आवेदन किए गए हैं। भर्ती को लेकर संशय, हाई कोर्ट ने भर्ती रोकने को दिया अंतरिम आदेश। ये ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में जान लेते हैं। यूपीएससी के यहाँ पर देख सकते हैं, राज्य ब्यूरो प्रयागराज, ये आप लोग देख सकते हैं। आयुष विभाग में आयुर्वेदिक अस्पतालों के लिए स्टाफ नर्स के 300 पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया हो गई है। रिक्त पदों पर सापेक्ष की 9118 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। प्रत्येक सीट पर आप लोग देख सकते हैं 30 दावेदार हैं, लेकिन इस भर्ती को लेकर संशय बना हुआ है। ऐसा क्यों है, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, इस भर्ती के खिलाफ कुछ अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। यूपी का तो यही साला झंझट हो गया है। हम बता रहे हैं, कोई भी वैकेंसी आती है पहले उसको जाना पड़ता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एंड डेट पड़ती है। और हर एक वैकेंसी में इसी के कारण और भी बेरोजगारी हमारे बढ़ी हुई है। ये आप लोग अपना जो है कमेंट में अवश्य बताइएगा अपनी राय। यहाँ पर और आगे देख सकते हैं, इस भर्ती के खिलाफ कुछ अभ्यर्थियों ने जो है याचिका दायर कर दी गई है। कोर्ट की एकल पीठ ने भर्ती को अंतिम रोक लगा दी है, इसलिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियां परेशान है, यानी कि इसको रोक दिया गया है, अभ्यर्थी परेशान है। फिलहाल आयोग की ओर से इस मामले में आने वाले कुछ फैसला हो सकता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्टाफ नर्स आयुर्वेदिक पुरुष और महिलाओं के लिए परीक्षा 2023 के तहत 48 पुरुष और महिलाओं का 252 भर्ती विज्ञापन निकाला गया था। 4 सितंबर को जारी किया गया था। इस पदों के सापेक्ष 4 अक्टूबर तक आवेदन लेना था। सर्वधीमा होने के कारण अंतिम तिथि 18 अक्टूबर तक जो है बढ़ा दी गई थी। आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई तो अंकिता मौर्य समेत 37 लोगों ने इस भर्ती के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने याचिका दायर कर दी। उन्होंने याचिका में बताया कि 2013 में ट्रेनिंग दी गई थी, बाद में उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। ये भी है, हमारे देख सकते हैं, जब ट्रेनिंग करा ली गई तो उन्हें नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया गया, इस पर उनका विरोध जताया जा रहा है। बाद में उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया, वे नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे हैं। उनको नियुक्ति नहीं दी गई है और नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कोर्ट ने 12 अक्टूबर को देख सकते हैं भर्ती में अंतिम रोक लगाते हुए सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा। इस आदेश के बाद भी आवेदन की प्रक्रिया जारी रही। आयोग के अधिकारियों ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर जल्द ही कोई निर्णय लिया जाएगा, यानी कि कोई जब निर्णय लिया जाएगा तो आपको दोबारा अपडेट किया जाएगा। कहीं ना कहीं साथियों, चाहे गवर्नमेंट हो या कोर्ट हो, हर प्रकार से बहुत स्लो मोशन में काम, यहाँ पर आदेश देंगे, फिर उनको डेट देंगे, टाइम देंगे, वो अपना याचिका फिर जवाब देंगे, फिर अगली बार फिर सुनवाई होगी। और गवर्नमेंट भी अच्छा खासा एक खेला करती रहती है, अपना आराम आराम से चलती रहती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं वैकेंसी लगते लगते तो ओवर एज हो जाते हैं और वैकेंसी प्रक्रिया भी नहीं आती है। ऐसे ही यूपी एनएचएम का वैकेंसी निकाली, रिजल्ट जो है उन्होंने अपना अभी तक नहीं जारी किया गया सभी बच्चों का,
और क्या किया गया वहां, पेपर तो अपना 1-2 महीने में ले लिए, उसके बाद अभी तक कोई भी अता पता नहीं है वैकेंसी कब होगी, क्या होगा, कैसे होगा। इस प्रकार से लगातार वैकेंसी आती रहती हैं और दुखी रहती हैं, कंफर्म नहीं होता, तो जिससे कि काफी लोगों को दिक्कत होता है। तो इस प्रकार से अपनी राय अवश्य दीजिएगा। ये था आप सभी साथियों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके लो, आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप लोगों ने अपने इतना बहुमूल्य समय दिया, अभी तक वीडियो को देखा, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए सुधीर फार्मेसी के साथ। थैंक यू।